अध्याय दूसरा आठवां श्लोक। मूर्खता और जवानी निश्चित रूप से दुखदायक होती हैं। दूसरे के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना तो अत्यंत कष्टदायक होता है। मूर्ख होना कष्टदायक है क्योंकि वह स्वयं को, अपनों को और दूसरों को एक समान हानि पहुंचाता है। मूर्खता के समान यौवन भी दुखदायी इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें व्यक्ति काम, क्रोध आदि विकारों के आवेग और उत्तेजित होकर कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है, जिसके कारण उसे, उसके अपनों और दूसरे लोगों को अनेक कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ये बातें तो कष्टदायक है ही, परंतु इनसे भी अधिक कष्टदायक है दूसरे के घर में रहना, क्योंकि दूसरे के घर में रहने से व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, जिससे व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता।